हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरईटी केडीयू। इस वीडियो में मैंने जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में आए हैं। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट idtkedu.idtk.in और idtk.in से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में रेलवे SSC एंड MEPS एग्जाम्स के लिए डेली क्विज टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? हमारा आंसर होगा थेलियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है? हमारा आंसर होगा 24 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 18th ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के 18th ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? हमारा आंसर होगा 6। कौन कौन सा एलिमेंट है हमारा? तो पहला एलिमेंट है हमारा हीलियम, दूसरा एलिमेंट है हमारा नियॉन, तीसरा है हमारा आर्गन, चौथा है हमारा क्रिप्टॉन, पांचवा हमारा ज़ेनॉन और छठा हमारा रेडॉन। ये हमारा 6 एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? हमारा आंसर होगा आर्गन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? हमारा आंसर होगा 6। जो छठा पीरियड है हमारा वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है पीरियडिक टेबल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कूलम SI यूनिट ऑफ। हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, pH वैल्यू ऑफ ब्लड। हमारा आंसर होगा 7.4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड लाइट क्वांटम प्रिंसिपल। लाइट क्वांटम प्रिंसिपल का डिस्कवरी किन्होंने किया? हमारा आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला CaOCl2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इन्फेक्ट वायरस। हमारा आंसर होगा T4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। हमारा आंसर होगा मीथेन। मीथेन मेजर कंपोनेंट होता है गोबर गैस का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है हमारा जूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं लेटेंट हीट हमारा क्या होता है। तो लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और अ वेपर फेज और अ लिक्विड इनटू अ वेपर फेज। एल बराबर होता है क्यू बाय एम। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है एल बराबर क्यू बाय एम, जहाँ क्यू होता है हमारा अमाउंट ऑफ हीट और एम हमारा होता है मास ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईका अल्मोनियम वाज रीनेम टू। ईका अल्मोनियम को रीनेम कर दिया गया, जो नया नाम है उसका नाम है गैलियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर टीवी। टीवी के लिए कौन सा वैक्सीनेशन इस्तेमाल किया जाता है? हमारा आंसर होगा BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है हमारा बैसिली कालमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ D2O। D2O का केमिकल नेम होता है हमारा हैवी वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। पावर लेंस को हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर में, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सप्लेन्स दैट DNA कोड्स फॉर RNA विच कोड्स फॉर प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का क्या चार्ज है हमारा? तो हमारा आंसर होगा पॉसिबली चार्ज्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। हमारा आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा? तो हमारा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कलर डेविएट द मोस्ट। कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा डेविएट करता है? हमारा आंसर होगा वायलेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है? द ट्रांसफार्मर समटाइम्स कॉल्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर डिवाइस यूज इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू चेंज द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन द सर्किट। इसका काम क्या होता है कि वोल्टेज को चेंज करना। ट्रांसफार्मर हमारा दो तरह से इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड आइदर टू इंक्रीज द वोल्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपिंग अप, और डिक्रीज द वोल्टेज, जिसको कहते हैं हम लोग स्टेप डाउन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था हमारा? तो न्यूटन का थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइटेस्ट गैस इन द पीरियडिक टेबल। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन द पीरियडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर 1। कहीं कहीं आपको हीलियम भी मिलेगा। हीलियम हमारा इनर्ट गैस है और वो भी लाइटेस्ट गैस है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द किंग ऑफ एसिड।
किंग ऑफ एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा फॉर्मूला आता है H2SO4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेन मेड अप ऑफ। ब्रेन हमारा किस चीज का बना होता है, तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ अबाउट 75% वाटर। ब्रेन हमारा 75% वाटर का बना हुआ होता है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, तो हमारा आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हार्ट का लोकेशन कहाँ पर होता है, तो हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड अबव द डायफ्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 16। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोमीटर यूज टू मेजर। हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को नापने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इन द आरबीसी मेक्स द ब्लड रेड इन कलर। हमारा आंसर होगा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारा, हमारा आंसर होगा बोन मैरो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का पीएच वैल्यू 7.33 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन फॉर विच दे बैंड टुवर्ड्स द सन। हमारा आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन ऐसा प्लांट हार्मोन होता है जिसके लिए वो बैंड करता है सन के टुवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच केमिकल इज द डिजीज मिनामाटा काउज्ड। हमारा आंसर होगा मिथाइल मर्करी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर का डिस्कवर्ड किया लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारा फेमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट। डेजर्ट में किस तरह का प्लांट ग्रो करता है हमारा, तो आंसर होगा जेरोफाइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 HP। 1 HP का वैल्यू होता है हमारा 746 वाट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरीन यूज्ड फॉर। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv². नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप होता है हमारा 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को हम लोग कहते हैं हेलोजन ग्रुप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड। आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, हमारा आंसर होगा कॉर्निया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।